सो हे दोस्तों, अश्वनी हियर। आप में से बहुत लोग होंगे जो मोबीक्विक ऐप इस्तेमाल करते होंगे। मोबीक्विक से जुड़ा आपको बहुत ही बड़ा जानकारी देने जा रहा हूँ, जहाँ पर लाखों यूज़र्स का डेटा हैक हो चुका है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 8.2 TB KYC डेटा वेब पर उपलब्ध कराया गया है। मोबीक्विक एक ऑनलाइन पेमेंट है। मोबीक्विक सर्विस से डेटा लीक होने की जानकारी फ्रेंच वाइट हैकर और सिक्योरिटी रिसर्चर एलॉट एंडरसन ने ट्वीट के जरिए दी थी। डार्क वेब पोर्टल पर यूज़र्स का जो डेटा उपलब्ध कराया गया है, उसमें फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी जैसे हैं। आपको बता दें कि मोबीक्विक डेटा लीक की जानकारी इंडियन साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजेश्वर राजहरिया ने भी दी थी। उन्होंने बताया था कि ये डेटा डार्क वेब के पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है, जिसे हैकर ने मोबीक्विक यूज़र की KYC डिटेल को हैक करने का दावा किया है और इसे 1.5 बिटकॉइन में बेचने को भी तैयार है। इसकी कीमत करीब अगर डॉलर में देखा जाए तो $84,000 है, और अगर इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 61 लाख होगी। साथ ही हैकर बायर को डेटा का एक्सक्लूसिव एक्सेस देने के लिए भी तैयार है। जिन डेटा को सेल में उपलब्ध कराया गया है, इनमें से 99 मिलियन मेल हैं, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, एड्रेसेस एंड ईमेल ऐप्स हैं, और आईपी एड्रेसेस और GPS लोकेशन भी शामिल हैं। हालांकि मोबीक्विक ने एक स्टेटमेंट में जारी किया है कि हमारे कंपनी से कोई भी डेटा लीक नहीं हुआ है, ऐसा उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये डेटा लीक फेक है या रियल है? अब आप ही बताइए। यहाँ गवर्नमेंट कहती रहती है KYC करिए, यहाँ KYC करने के बाद ही हमारा डेटा सेफ नहीं रहता है, तो आप ही बताइए आगे करें तो करें क्या हम लोग, क्योंकि इसमें हमने अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल सभी को फिल कर चुका है। चलिए अब देखते हैं अभी इस बात में कितनी सच्चाई है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये न्यूज़ ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में। सी यू।